तो हेलो एवरीवन, तो आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है नाग पंचमी, तो सबसे पहले तो नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो अभी हम आए हुए हैं चारा काटने, धराती और पिछौरा है हमारे पास और ये हमारा चारा खड़ा हुआ है, तो अभी हम काट के लेके जाएंगे। और नाग पंचमी है आज, तो आज हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है वो भी आपको भी दिखाऊंगा मैं। और हमारे यहाँ पे भुजनियाँ बोली जाती हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में बताना। और तो हम उसकी बुवाई करेंगे और अभी हम फिलहाल चारा काटने आए हैं, क्योंकि गांव में हैं तो भाई चारा तो काटना पड़ेगा, राइट। तो गांव में हैं तो गांव की चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा चारा है, यहाँ से हम अभी कट करेंगे, यहाँ से कट करने के बाद अभी लेके जाएंगे। और एक गट्ठा जो है हम चारा घर पे डाल के आए हुए हैं अभी, और एक यहाँ से लेके जाना है, और भी उसके बाद भी कटिंग करनी है थोड़ा चारा, तो वो काटने के बाद आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। तो बने रहें ब्लॉग में, एंड ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज जो है नाग पंचमी है, तो काफ़ी सारे लोग फेस्टिवल मना रहे होंगे, तो सभी को दोबारा से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे सूरज महाराज हमारे डूब रहे हैं, तो अभी इवनिंग का समय है, तो चारा काट लेते हैं, गायों के लिए चारा काटना है। और गांव में रहने वाले बच्चे हैं हम, तो गांव की चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे आपको, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। और अगर चीज़ें अच्छी लगें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है। तो हम रेगुलरली आपको कोशिश करेंगे दिखाने की चीज़ें क्या होता है गाँव में। अगर हैं तो हरियाली हरियाली चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी, और चारा भी है, काफ़ी सारे फसलें लगी हुई हैं, उनको भी आपको एक दिन प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊँगा। अभी इस साइड पर मेरे धान भी लगे हुए हैं, जो कि ताऊ जी के धान हैं, और अभी इवनिंग का टाइम है, तो चलिए पहले चारा काट लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गट्ठा चारे का भेज दिया पापा के साथ, और अभी हम दूसरा गट्ठा भी काटेंगे जो कि छूटा हुआ था। और क्योंकि चारा काफ़ी काटना पड़ता है, चार पांच जानवर हैं, गाय हैं हमारे पास, तो उसके लिए चारा ले जाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात आप भी जानते हो कि अगर जानवर गाय या भैंस चारा खाएगी नहीं तो दूध देगी कहाँ से, तो इसलिए हमें चारा काट के लेके जाना पड़ेगा। और ये पूरे में ही चारा लगाया हुआ है हमने, और इधर साइड पर हमारी मक्का है, और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, लगभग सूरज मुड़ने ही वाले हैं, सनलाइट जा रही है धीरे धीरे। तो अभी हम फटाफट से यहाँ से चारा काट करेंगे, फिर चलेंगे घर और दिखाएंगे आपको और भी चीज़ें कि नाग पंचमी वाले दिन क्या क्या और चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल में कैसे मनाते हैं। तो बने रहें ब्लॉग में। ये कुछ हमारे यहाँ का व्यू है, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, चारों तरफ आपको खेतों में कुछ ना कुछ फसल खड़ी मिलेगी, और इस टाइम पे खेत खाली नहीं रहते बरसात के मौसम में मोस्टली, वैसे खाली तो 12 महीने नहीं रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे आपको हर जगह ही हरियाली देखने को मिलेगी, हर जगह आपको खेत देख जो है हरे भरे मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से एक गट्ठा चारा और बचा हुआ है, एक हमने पापा के साथ भेज दिया है, तो अब मिलते हैं आपको पूरा चारा अपना वाला काटने करने के बाद। ओके चलिए।
देखो सभी लोग, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, आज नागपंचमी है तो क्या क्या भर रहा है, ठीक है। इधर भर रही है गुजिया, गुजिया गुजिया बोलते हैं, और गांव की भाषा में पिचकिया, ठीक है। ये हमारी इंग्लिश भाषा में सिस्टर, और गांव की भाषा में जिज्जी, जिज्जी कहते हैं। ये हमारी बैठी हैं इंग्लिश सेम मोम मदर, एंड गांव की भाषा में अम्मा हमारी बैठी हैं, ठीक है। ये भर रही हैं पूरी, इधर सेक रही हैं, ये चूल्हा है। तो देखो ये रही गुजिया, और जो है कचौड़ी पूड़ी सब कुछ रखा हुआ है, जिसको जिसको खाना है खा लो, और गांव में ऐसे ही बनते हैं। और ये सब लोग खाना बना रहे हैं आज। तो आज नागपंचमी थी तो सुबह हम लोग खाई थी हम लोगों ने सिवैयाँ, और अभी शाम को खाएंगे पूड़ी कचौड़ी और गुजिया। थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ है, वो पहले कर लेते हैं, फिर आपको शाम को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर भुजरियाँ कैसे बोई जाती हैं, ठीक है। भुजियाँ जिस जिसको खानी आ जाओ फटाफट से, हम लोग खिलाएँगे यहाँ पर। ताज़ी ताज़ी भुजियाँ भर रही हैं, अभी शाम का वक्त है, और चलिए मिलते हैं, दिखाते हैं। जो हम बता रहे थे आपको, इसमें क्या है, गेहूं और जौ जो होता है इसको बोया जाता है, और फिर रक्षाबंधन के दिन इसको जो है, चाहे नदी हो या नहर हो या फिर तालाब हो, उसमें जो है इसको विसर्जित किया जाता है। इनको ये भी जम जाते हैं, उसके बाद इनको विसर्जित किया जाता है इनकी पूजा वगैरह करने के बाद। तो ये हमारे यहाँ भुजरियाँ होती हैं, आपके यहाँ होती हैं या नहीं बताओ कमेंट में। और कल हमने बोई थी तो नाइट में अंधेरा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये हमारे यहाँ की भुजरियाँ होती हैं, आप भी बताना आपके यहाँ बनाई जाती हैं नहीं जाके।